चलो भाई और बहनों आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है के की पत्नी कौन थी इसके बारे में बहुत सारे सवालों का झंझाल हमारे सोशल मीडिया में टूट पड़ा है कई सारे बाइबल कॉलेजों में भी कलीसियां में भी नौजवानों का बुजुर्गों का सवाल होता है कि के को पत्नी कहाँ से मिली आज हम इसी के बारे में बात करेंगे देखिए बहुत लोग इसके बारे में अपनी अलग अलग धारणाओं को लेकर चलते हैं जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि कैन की जो पत्नी थी वो लिलित की परंपरा से आती है और ललित को कुछ लोग आदम की पहली पत्नी मानते हैं और आदम की पहली पत्नी के मध्य में झगड़ा होता है और लिलित आदम की वाटिका से भाग जाती है और उसके पश्चात में आदम अकेला हो जाता है और तब परमेश्वर ने आदम के लिए उसके ही शरीर से हवा को बनाकर दिया तो लिलित के माध्यम से जो बच्चे थे उन बच्चों में से किसी एक स्त्री के साथ में कई ने शादी किया ऐसा कुछ लोग सोचते हैं कुछ लोग ये सोचते हैं कि उत्पत्ति का जो पहला अध्याय है दूसरा अध्याय है उसमें जो मनुष्यों की सृष्टि है वो दो अलग अलग प्रकार की सृष्टि है जो पहला अध्याय बताता है वो एक सामूहिक तरीके से मनुष्यों को बनाया गया है उसका एक प्रकाशन है जिसे मनुष्यों को स्त्री और पुरुष करके बनाया गया है और वो एक से ज्यादा है लेकिन जो दूसरा अध्याय है उसमें उन सभी मनुष्यों के ऊपर एक राजा को बनाता है उनके रिप्रेजेंटेटिव को बनाता है परमेश्वर और उसका नाम प्रभु आदम रखता है और वो अदन की वाटिका में रखा जाता है लेकिन बाकी सारे जो मनुष्य है वो अदन की वाटिका के बाहर थे लेकिन जो आदम थे वो अदन की वाटिका में रखे गए हौवा के साथ में तो आदम और हौआ बाकी सारे तमाम मनुष्यों से ऊंची एक पदवी पे थे उनके ऊपर हुकूमत कर रहे थे एक बादशाह के रूप में तो आदम का जो बेटा कैन था जब वो बाहर निकलता है तब तो वो पहले अध्याय में जो मनुष्य बनाए गए थे जो कि सामूहिक तरीके से बनाए गए थे उनमें से किसी एक की कि बेटी को लेकर शादी करते हैं ऐसा बोलते हैं और तीसरी धारणा यह है कि जैसे परमेश्वर ने आदम के पसली से हवा को बनाया वैसे ही परमेश्वर ने कैन के लिए पत्नी को बना के दिया होगा तो अटकले लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है और चौथी जो धारणा है वो ये है कि कैन ने किसी अपनी बहन से ही शादी किया था तो इसमें से सही कौन सा है देखिए पहली बात जो इसमें पहला दूसरा और तीसरी बात है वो पूरी गलत है वो सिर्फ एक बूढ़ी कहानियां है जिसको सुनने में बड़ा मजा लोग लेते हैं अच्छा लगता सुनने में क्योंकि बड़ी एक अजीब सी दिलचस्पी इसमें आ जाती है सुनते वक्त में तो बहुत लोग हैं जिनको सुनाना और सुनना ऐसी बातें अच्छा लगता है लेकिन सत्य के पहलुओं पर अगर दृष्टि किया जाए तो उसके साथ में ये मैच नहीं करता ये ये एक बुरी कहानियाँ है बस और कुछ नहीं है तो बाइबिल से हम इसके बारे में क्या जान सकते हैं कि कैन की पत्नी कौन थी देखिए बाइबिल हमसे सिर्फ इतना कहता है कि कैन अपनी पत्नी के पास गया के अपनी पत्नी के पास गया इतना ही कहता है एक बात बाइबिल साफ कहता है कि की पत्नी है अब वो पत्नी उसकी बहन है या किसी और की बहन है या किस कहीं और से आई है इसके बारे में कोई भी चर्चा बाइबिल नहीं कहता है और यही कारण है डिबेट का क्योंकि बाइबिल नहीं कह रहा है तो फिर भाई कहाँ से कहीं की पत्नी आ रही है किस जगह से आ रही है ये सारी जो है बहुत बड़ी एक बवाल बन जाता है टेगोलॉज के मध्य में या फिर नौजवानों के मध्य में या फिर जो नौसिखी होते हैं उनके मध्य में चलिए मैं आपके सामने कुछ बातों को रखता हूं यहाँ पर देखिए केन की पत्नी के बारे में जानने के पहले कुछ खास बातों को आपको जानना बहुत जरूरी है जैसे कि जब प्रेरित पॉलुस एथेंस में प्रचार कर रहे थे तो प्रेरित की पुस्तक सत्रह अध्याय के छब्बीसवीं आयत में पॉलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है जो हिंदी में लिखा है एक ही मूल से अगर अंग्रेजी में पढ़ते तो वहां लिखा है कि वन ब्लड एक ही खून से बनाया है इसका मतलब यह है कि एक ही माता पिता से एक ही पुरुष स्त्री से जो है सारी जातियां बन करके तैयार हुई है इस पृथ्वी पर एक ही, ही मूल से और इस कथन के अनुसार पर जो दूसरी धारणा थी पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में जो मनुष्य थे वो अलग अलग थे वो धारणा बिल्कुल खारिज हो जाती है और जो पहली धारणा थी लिलित का वो भी यहां पर खारिज खारिज हो ही जाता है क्योंकि एक ही मूल से सारी जातियां आई है क्या के अपनी बहन से शादी कर सकता है जो लोग को ये अजीब लगता है या अजीब बना के दिखाते हैं इस बात को वो ये बात भूल जाते हैं कि जो आदम है आदम के शरीर से ही हवा निकलती है आदम कहता है कि ये मेरी ही हड्डी है और मेरी ही मांस है तो मेरी ही हड्डी मेरी ही मांस तो वो जो रिश्ता है मेरे ख्याल से बहन के रिश्ते समीप नजदीक रहता है है कि नहीं क्योंकि खून के रिश्ते में है, तो माता पिता के द्वारा एक एक लड़की पैदा होती है और वो लड़की बहन है तो वो काफी दूर लगता है लेकिन हवा की जो बात है वो आदम के शरीर से बाहर निकली हुई उसी की शरीर का एक टुकड़ा है वो तो अगर ऐसा देखा जाए तो भाई आदम ने हवा से शादी क्यों की उस पर बवाल नहीं किया लोगों ने लेकिन जब कईम ने अपनी बहन से शादी किया जब ये बोलते हैं तो बवाल खो गया तो ये सिर्फ एक मानसिकता है एक सक्रिय मानसिकता है और कुछ नहीं है मुझे आपसे यही कहना है देखिए इंसान की सृष्टि हुई है और परमेश्वर ने इंसान को ब्लसिंग दिया है कि तुम पृथ्वी पर फलो फूलो फैल जाओ तो भाई कैसे फलेंगे फूलेंगे फैलेंगे अगर भाई अपने बहन से शादी नहीं करेगा तो क्योंकि उस समय हुक्म थोड़ी दिया गया था कि वो गलत होता है लेबिया की पुस्तक में जो हुक्म दिया गया है उसका रीजन जो है आनुवंशिक कारणों के कारण बाद में गलत तरीके से डीएनए पे असर होना है जिससे कि बच्चे जो है अजीब भी तरीके से पैदा हो रहे थे और मैं बीमारियां उत्पन्न हो रही थी इसीलिए बात में परमेश्वर ने उसको मना किया था कि भाई बहन से शादी नहीं करना तो वो चीज जो है पहले नहीं था और परमेश्वर की ब्लैसिंग भी थी और ब्लसिंग के कारण बच्चे पैदा होने पृथ्वी पर फैलना है जनसंख्या में वृद्धि होना है दो लोग अभी है आदम और हुआ और प्रभु ने उनको ब्लैसिंग दिया है कि फलो फूलो फैल जाओ तो जाहिर सी बात है कि भाई उन्हीं के बच्चे ही आपस में शादी करेंगे और बच्चे पैदा करेंगे तो इसमें इतना सोचने वाली बात कुछ है ही नहीं कोई बड़ा डिबेट का विषय ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा एवरेस्ट लेकर के दिखा देंगे या फिर वहां पर चढ़ करके हम फतेह हासिल कर लेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है इस चीज ये बहुत छोटी सी बात है तो इसको बड़ी बात बना करके दिखाना सोचना जो है एक बहुत ही uh, मेरे हिसाब से अटपटी सी बात लग रही है।, है कि नहीं आप कुछ आप खुद यहां पर ध्यान दीजिए चलिए अब देखिए यहां पर उत्पत्ति की पुस्तक चार अध्याय का जो सत्रह आप लिखे पढ़ेंगे पढ़ते वहां पर लिखा है कि जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और हानोक जन्मी जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तो यहां पत्नी लिखा है अब जब जब कैन कैन की बहन कोई भी रही हो एक्स वाई जेड वो उसके पास गया तो इसका मतलब होगा कि अपनी बहन के पास गया है लेकिन अगर बहन से कैन ने शादी किया है तो बहन बहन नहीं रह जाती है बल्कि उसकी पत्नी बन जाती है इसलिए यहां लिखा है कि कैन ने अपनी पत्नी के पास गया और शादी के पश्चात वो रिश्ता स्थापित होता है जिसमें हमक पैदा होता है तो केन अपनी पत्नी के पास गया उसकी एक पत्नी वहां पर है यह बात को बाइबल साफ यहाँ कह रहा है अब अब केन की पत्नी कौन थी क्या इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं देखिए कुछ ऐसे सोर्स है इतिहास में जो इसके बारे में खुलासा करते हैं जैसे कि जुबलीज की पुस्तक जुबली द बुक ऑफ जो है वो यहूदियों का ही एक वृत्तांत है जिसको कई लोग छोटी उत्पत्ति की पुस्तक कहते हैं और उसके अंदर चौथा अध्याय उसके नौ आयत में लिख के रखा है कि केन ने अपनी बहन आवान से शादी किया अपनी बहन आवान से शादी किया तो केन की बहन यानी कि हवा की ही बेटी थी आवान आवान से शादी किया इसके बारे में और भी बहुत सारे माध्यम है यहूदियों के अंदर परंपरा के अंदर जो ऐसा कहते हैं कि कैन ने अपनी बहन से शादी किया है यहाँ तक कि प्रारंभिक कलिसिया के जो अगवे थे उन लोगों ने भी अपनी कृतियों में अपनी पत्रियों में यही लिखा है कि कैन ने अपनी बहन से शादी किया था इतनी सारी बातें होने के बाद में भी जो है लोग बातों को मानने को तैयार नहीं होते हैं और फिर भी सवाल पूछते रहते हैं मेरे हिसाब से उनके अंदर जो सवाल उठने का कारण है वो बाइबल की एक आयत है अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक चार अध्याय का चौदहवा देखते हैं तो वहां लिखा है कैन परमेश्वर से कहता है तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर बहेतु और भगोड़ा रहूंगा और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा जो कोई मुझे पाएगा घात करेगा तो लोग ये सोचते हैं कि अगर दुनिया में सिर्फ आदम और हवा और केन और हावेली है तो केन के दिमाग में जो कोई मुझे पाएगा ये सोच कहाँ से आ गई अगर वहां कोई है नहीं तो।, तो हो ना हो एक बड़ा भीड़ वहां पर है और उस भीड़ में जो है कुछ औरतें भी होंगी और उसी औरतों से केन ने शादी किया होगा तो वो समूह कहाँ से आ गया ये सोचते हैं तो क्या ये सोच जायज है हाँ ये बिल्कुल जायज़ सोच क्योंकि लॉजिक तरीके से आदमी इसको सोच सकता है तो उसकी कोई गलती नहीं है लेकिन उसका जो जवाब है वो भी लॉजिकल तरीके से जाए तो अच्छा रहेगा अब जिसे उदाहरण के लिए यहां जो लिखा है ना जो कोई मुझे जो 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 कोई जो शब्द जो शब्द है जो जो शब्द है वो है उसका वो कॉल और कॉल का मतलब होता है एवरीथिंग कुछ भी ऑल ऐसा होता है तो फिलो यहूदियों में एक फिलो नाम का एक बहुत बड़ा दार्शनिक था बहुत बड़ा एक विद्वान था उसने इसके बारे में बताया है कि ये सोच रहा था कि परमेश्वर ने उसको निकाल दिया है अपने सामने से और वो स्थापित है और ये जो बातें है पूरी पृथ्वी को मालूम पड़ गया है और पृथ्वी जो है वो उसको जीने नहीं देगी अब वो कहीं भी जाएगा पृथ्वी पर तो पृथ्वी उसके लिए गलत माहौल को पैदा करेगी और जो तो जीव जंतु है यानी कि जो जीव प्राणिया है जैसे शेर हो गया हाथी हो गया या बैल हो गया जो कुछ भी वहां पर जिंदा है मनुष्य के अलावा वो अगर केन को पाएंगे तो घात करेंगे क्यों क्योंकि एक शत्रुता पैदा हो गई है ऐसा फिलो ने कहा और यही बातें हैं जो कलिशिया के प्रारंभिक अगवे भी कहते थे तो उनके हिसाब से वहां पर कोई जनसंख्या नहीं है मनुष्यों की उनके हिसाब से केन डरा हुआ है उसको लगता है कि पृथ्वी अब खिलाफ में लड़ने वाली है केईन से देखिए इस बात में कुछ ना कुछ दम है उत्पत्ति तो चार का ग्यारह अगर आप पढ़ते हैं इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने अपना मुंह खोला है उसकी ओर से तू शापित है चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर बहेतु और भगोड़ा होगा अगर पृथ्वी ऐसा कर सकता है कैसा कि उसकी उपज का फल उसको ना दे और पृथ्वी के कारण केन श्रापित ठहरा है एक शत्रुता यहां दिखाई पड़ रही है पृथ्वी और केन के मध्य में और अगर नेचर ने जंतुओं को जानवरों को ऐसा उकसाया कि केन को घात करे तो केन्द को घात करेंगे भी क्योंकि एक नफरत यहां हो गई है क्योंकि पहला मर्डर यहां पर हुआ है तो ऐसा भी हो सकता है कि केन्द का जो डर है वो मानवों से नहीं है बल्कि पृथ्वी और उसके नेचर से है कि प्रकृति मुझे मार डालेगी अब परमेश्वर कहता है कि ठीक है तुम्हारा जो दंड है ज्यादा है लेकिन अब मैं तुम्हारे ऊपर एक कृपा कर रहा हूं कि जो तुम्हें घात करेगा उससे तुम्हारे लहू का सात गुना पलटा लिया जाएगा तो एक चिन्ह परमेश्वर देता है और इसी कारण से जो है सृष्टि अधीनता में आ जाती है और केन का वध नहीं करती है क्या है इसका मतलब क्या क्या ऐसा क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर जानवरों से भी लहू का पलटा ले देखिए इसके बारे में एक झलक हमको दिखाई पड़ता है उत्पत्ति की पुस्तक नौ अध्याय में इस प्रकार लिखा हुआ है और निश्चय मैं तुम्हारा लहू अर्थात प्राण का पलटा लूंगा सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूंगा पलटा पशुओं से भी लूंगा प्रभु कहता है तो अगर पशु मारता है मर्डर करता है किसी इंसान का भले ही आज की सरकार जो है उसको बड़ा मुद्दा नहीं मानती हो लेकिन बाइबल के अंदाज में वो एक गलत चीज है वो एक गुना है और परमेश्वर उसका पलटा लेगा बताया है वो कैसे उसके बारे में प्रभु नहीं बोलता है, वो प्रभु और उस जानवर के बीच की बात है उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे जब प्रभु ने मौका दिया तो लेकिन हमारा मुद्दा भी वो नहीं है लेकिन यही है कि कई की जो वो सोच थी वो मनुष्यों के ऊपर ही क्यों हम लागू करते हैं क्यों नहीं हम प्रकृति के ऊपर लागू करते हैं क्योंकि जो कॉल जो शब्द है वो एवरी से भी होता है पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी है उससे भी उससे भी, भी होता है हम जो है सही बातों को पकड़े और जो धारणाएं हैं अफवाहें हैं उसको हम छोड़े हम और हम उससे और हम उससे बाहर आए और हम सही चीज को पहचाने और उसको सिखाए और उसको पढ़ाए ताकि लोग सही बात को सीखे और समझे तो केन की पत्नी इतिहास के अनुसार में केन की बहन थी कुछ माध्यमों ने नाम तक दे दिया है अवान तो हम यही सोचेंगे हम यही समझेंगे कि केन ने अपनी बहन से ही शादी किया था चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा लाइक जरूर करिएगा कमेंट करिएगा अपने सवालों को पूछिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में जय मसी चालो